Hello everyone. Now our topic of discussion is array implementation of stack. वैसे प्रीवियस एपिसोड में हम देख चुके हैं कि स्टैक क्या होता है, एंड वहाँ पर हमने देखा था कि स्टैक के अंदर कुछ ऑपरेशंस होते हैं लाइक पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन, एंड अरे के बारे में भी हमें पता है. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अरे क्या होता है. अरे इज़ नथिंग बट कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स, इसे हम लोग क्या बोलते हैं अरे. जैसे कि इंटीजर ए, ओके, ए के आगे हमने एक ब्रैकेट लगा दिया और हमने साइज़ बता दी 4. तो ये एक अरे है हमारे सामने साइज़ 4 का, और कुछ वैल्यूज हम यहाँ पर दे देते हैं लाइक 2, 4, 6, 8. सो ये क्या है? अरे. अब हमें क्या करना है कि अरे की मदद से इस स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है, और ये काम हम करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग की मदद से. सो सी प्रोग्रामिंग में हमें वर्क करना है. सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हैज़ इंक्लूड, ओके, हमें स्टूडियो को हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं. हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच एक मेन फंक्शन हमको लगेगा. सो एक मेन फंक्शन यहाँ पर ले लेते हैं. अब हमें पता है कि स्टैक के अंदर दो मेथड तो होने वाली है, एक है पुश मेथड, तो हम पुश मेथड यहाँ क्रिएट कर लेते हैं, एंड अनदर वन इज़ पॉप मेथड. तो दो मेथड हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए. सभी मेथड इंटीजर टाइप की है, तो यहाँ पर हमको वैल्यू रिटर्न करवाना पड़ेगी. सभी में हम 0 रिटर्न करवा लेते हैं, मेन के अंदर भी और पॉप मेथड के अंदर भी हमने 0 रिटर्न करवा लिया, एंड पुश मेथड के अंदर भी हमने 0 रिटर्न करवा लिया. लेकिन पुश और पॉप, इसके अलावा एक मेथड हमको और लगेगी, ओके. पुश मेथड का नेम है शो. ये भी इंटीजर टाइप की है, हम यहाँ पे 0 रिटर्न करवा लेते हैं. अब शो में थोड़ा चेंज कर लेते हैं, शो एलिमेंट, ओके, ये हम नेम दे देते हैं. एक अरे भी हमको क्रिएट करना पड़ेगा, तो एक ग्लोबल टाइप का वेरिएबल में ले लेते हैं स्टैक, ओके. और स्टैक की साइज़ हमने दे दी 100. ये हमारे पास में एक अरे है जिसका नेम है स्टैक. सबसे पहले हम मेन मेथड के अंदर काम करते हैं, ओके. हम यूजर से नंबर ऑफ एलिमेंट इंसर्ट करवा लेते हैं. सिंपल आई मैसेज पुट करता हूँ मैं, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन स्टैक, ओके. अब यूज़र यहाँ पे एंटर करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो यहाँ पर हम स्कैनएफ का यूज़ करने वाले हैं. लेकिन स्कैनएफ के अंदर हमको एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, इंटीजर टाइप के वेरिएबल की. तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल और ले लेते हैं. ग्लोबल वेरिएबल्स के अंदर एक इंटीजर टाइप में एन नाम का वेरिएबल हमने ले लिया, ओके. अब हम एन नाम के वेरिएबल के अंदर वैल्यूज़ को इंसर्ट करवा लेते हैं, एंड एन. अब जब ये प्रोग्राम चलेगा तो यूजर से पूछेगा एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन स्टैक. हमने साइज़ दी 100 की, हो सकता है कि यूज़र 50 एंटर करे, यूज़र 20 एंटर करे, तो उतने एलिमेंट्स स्टैक के अंदर आ जाएंगे. अब हम यूज़र से पूछेंगे कि आखिर यूज़र को कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मीन्स पुश, पॉप या फिर शो करना है. सिंपल यह हम पूछ लेते हैं व्हाट टू डू, ओके. यहाँ मैंने लिखा पुश, पॉप और शो एलिमेंट्स, हम यूजर से पूछ रहे हैं. अब यूज़र अपनी चॉइस एंटर करेगा. अब देखिए तो पूरा कैरेक्टर हो गया है, तो हम तो शॉर्ट कर लेते इसको, ठीक है. यहाँ मैंने लिखा पुश इक्वल टू 1, पॉप इक्वल टू 2 एंड शो एलिमेंट्स इक्वल टू 3. अब सिंपल यूज़र को बोल देते हैं कि एंटर योर नंबर 1, 2 और 3, यूजर से हम बोलने वाले हैं, ठीक है. अब यहाँ पर हमको स्कैनएफ लगाना पड़ेगा क्योंकि यूज़र नंबर एंटर करने वाला है 1, 2 या 3. सो परसेंट डी हमने पुट कर दिया, एंड यहाँ पे लगा दिया. लेकिन यूज़र जब नंबर एंटर करेगा तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक वेरिएबल. तो मैं यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल और ले लेता हूँ, ओके. यहाँ मैंने दे दिया सेलेक्शन. क्या नेम दिया हमने? सेलेक्शन, ठीक. वेरिएबल, द नेम ऑफ द वेरिएबल इज सेलेक्शन. अब यहाँ पर हम लोग यूज़ करने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट का. स्विच हम सभी ने यूज़ किया है, ओके. अब स्विच के अंदर हमने वेरिएबल पास कर दिया सिलेक्शन,
ओके कैश वन, यदि कैश वन होगा तो उस कैश में कौन सी मेथड कॉल होना चाहिए? कैश वन यदि वन एंटर करते हैं उस कैश में कौन सी मेथड कॉल होगी? पुश मेथड। तो मैं यहाँ पर पुश मेथड को कॉल कर देता हूँ और एक ब्रेक स्टेटमेंट पुट कर देता हूँ ताकि बाकी का कोड रन ना हो। ओके नाउ कैश टू, अब यदि हम कैश टू देखें तो कैश टू में कौन सी मेथड है? पॉप। तो मैं यहाँ पॉप मेथड को कॉल कर लेता हूँ एंड यहाँ हम रख देते हैं एक ब्रेक स्टेटमेंट। अब बचा कौन सा है? शो एलिमेंट। ओके ये वाली मेथड हमें कॉल करना है। सो कैश थ्री हमने यहाँ पुट कर दिया एंड कैश थ्री के अंदर हम कॉल करेंगे शो एलिमेंट। ये कैश सेंसिटिव होती है मेथड की नेम, तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो जाए, इरर ढूंढने में प्रॉब्लम जाए, ये कॉपी पेस्ट कर दो। ओके अब शो एलिमेंट हमने यूज़ किया है, यहाँ पे हम ब्रेक भी रख देते हैं। अब यदि यूज़र गलत इनपुट दे तो 1, 2, 3 के अलावा और कुछ दे दे इनपुट तो ओके सो यहाँ पर हम लोग एक डिफ़ॉल्ट को भी कॉल कर लेते हैं। दिस इज़ नॉट द मेथड बल्कि कैश है। यह एक मैसेज दिखा देते हैं प्रिंट एफ। प्रिंट एफ यू एंटर्ड रॉन्ग नंबर या फिर रॉन्ग सेलेक्शन नंबर। ठीक है मैसेज हमने यहाँ पे यूजर को दिखा दिया। अब एक चीज़ और करते हैं, हम लोग हर प्रिंट के अंदर एक स्लेशन भी लगाई देते हैं। ओके तो क्लियरली देखने में इजी रहता आउटपुट को। अभी हमने इतना काम कर लिया है, चेक कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ कि हर मेथड के अंदर एक प्रिंट एफ डाल देता हूँ। प्रिंट एफ आई एम पुश मेथड। ओके देन पॉप के अंदर भी एक लिख देते हैं प्रिंट एफ, ये चेक करने के लिए प्रोग्राम सही है कि नहीं। आई एम पॉप देन शो एलिमेंट नाम की मेथड में भी रख देते हैं प्रिंट एफ आई एम शो एलिमेंट। ओके अब चेक कर लेते प्रोग्राम को रन करके कि प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। रिटर्न जीरो में हमको एरर मिल रहा है। ओके हम लोग यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना भूल गए। ठीक है फिर से रन करते हैं। कोई एरर नहीं, प्रोग्राम प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब जितना कोड हमने लिखा कि अब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन स्टेटमेंट 20 एंटर कर दिया। ओके 20 में यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। वांट टू डू पुश पॉप और शो एलिमेंट्स एंटर योर नंबर, तो अभी मैं यहाँ पे पुश के लिए 1 प्रेस करता हूँ। आई एम पुश। ओके यानी प्रॉपरली वर्क कर रहा है हमारा कोड। एक बार हम लोग पॉप के लिए भी चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स में 12 एंटर कर दिए और मैंने 2 एंटर किया आई एम पॉप। ओके एक बार शो एलिमेंट के लिए भी चेक कर लो, तो बाद में क्या एरर पहचानने में प्रॉब्लम जाती है। या मैं 23 पुट करके 3 नंबर डाल दिया आई एम शो एलिमेंट। ओके मीन प्रॉपरली हमारा कोड वर्क कर रहा है। ओके हमारे पास में 3 मेथड्स है। अब हम काम करेंगे पुश मेथड पे। पहले पुश पे काम करेंगे देन पॉप पे देन शो पे। शो पुश मेथड के अंदर, पुश मेथड मीन्स क्या? जैसे हमारे पास में एक स्टैक है। ओके इस स्टैक के अंदर हमको एलिमेंट को इंसर्ट करवाना है। ठीक दैट मीन्स जो भी हम एलिमेंट लेने वाले हैं उसके लिए एक वेरिएबल हमको लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो एक वेरिएबल हम यहाँ ले लेंगे और उस वेरिएबल को हम स्टैक के अंदर इंसर्ट करवाते जाएंगे। सो एक वेरिएबल मैं यहाँ लेता हूँ एलिमेंट नाम का। ना पूरा नेम क्लियर हम रखते हैं कि समझ में आ जाए एलिमेंट क्या है। ओके हमने एक एलिमेंट नाम का वेरिएबल ले लिया। अब मैं यहाँ पर एक इफ लगाने वाला हूँ। ओके क्योंकि बात हो रही है स्टैक की और हमको पुश ऑपरेशन करना है। अगर ये स्टैक हमारा मान के चलिए कि अगर फुल है मीन्स यहाँ पर कोई वैल्यू इंसर्ट होगी ही नहीं। अगर कोई वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट नहीं होगी तो पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि ये फुल तो नहीं हो गया है। तो फुल करने के लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल और लेता हूँ टी ओ पी नाम का।
ओके, हमने यहाँ पर टीओपी नाम का वेरिएबल ले लिया जो कि टॉप को चेक करने के काम में आएगा, एंड टीओपी इक्वल टू हमने कर दिया -1। ओके, हमने कौन सा वेरिएबल लिया है? टीओपी। तो इफ कंडीशन में हम चेक कर लेते हैं, इफ टीओपी इक्वल टू एन, एन क्या था हमारे पास? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जब हमने मेन फंक्शन बनाया था तो हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टैक में इंसर्ट करवाए थे, तो एन क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर 10 एलिमेंट्स है और जो टॉप है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल है, इसका मीनिंग क्या है? एक मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले होगा। ओके, तो यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा स्टैक ओवरफ्लो, यानी हमारा स्टैक फुल हो चुका है। अब यदि स्टैक ओवरफ्लो नहीं है, स्टैक में अगर जगह है, टॉप इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, उस केस में हम यूज़र को बोलेंगे एंटर एलिमेंट टू पुश। सिंपल हमने मैसेज दिखा दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्कैनअप कर लेते हैं। एंड हमने ऑलरेडी वेरिएबल यहाँ बनाया था एलिमेंट नाम का, इसीलिए बनाया था कि स्टैक में जो हमको इंसर्ट करना है तब काम में आएगा। ओके, अब जो टॉप है, जो भी वैल्यू है, जैसे हम वैल्यू को इंसर्ट करेंगे, टॉप इक्वल टू टॉप +1 हो जाएगा। मीन्स इसका मतलब क्या है? जैसे यदि हम लोग यहाँ पर देखें, फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर डी नहीं होता, ओके, तो अगर यहाँ पर अभी टॉप हमारा यहाँ पे है, ओके, अगर हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया सी को, तो हमारा टॉप का पहुँच जाएगा ऊपर, ऊपर हमने इंसर्ट कर दिया डी को, तो हमारा टॉप का पहुँच जाएगा इसके भी ऊपर। मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है? 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो टॉप इक्वल टू हमने क्या पुट किया है? टॉप +1। अब जो हमने स्टैक बनाया था, मीन्स अरे बनाया था स्टैक नाम का, ओके, यही पर हमने स्टैक बनाया था, अरे बनाया था, ओके। इस अरे के अंदर हमने किसको पास कर दिया? टॉप को। और टॉप पॉप स्टैक में कौन सी वैल्यू जाएगी? जो एलिमेंट हमने लिया था। ये हमारा पुश ऑपरेशन बन के यहाँ पे रेडी है। सो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। ओके, मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, कोई एरर नहीं प्रोग्राम के अंदर। एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन स्टैक में 5 इंसर्ट कर रहा हूँ कि 5 एलिमेंट रह गए। पुश ऑपरेशन के लिए मैंने 1 प्रेस किया, एंटर एलिमेंट टू पुश, ठीक है। पहले मैंने 3 रख दिया, अब स्टैक में 3 आ चुका है। 1 टाइम में एक ही एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट होगा, हमने पुश कर दिया 3, लेकिन अभी 3 हमको दिखाई नहीं देगा। अब उसको देखने के लिए हमको शो नाम के मेथड पे काम करना पड़ेगा। तो यस, हम लोग काम करेंगे अब शो नाम की मेथड पे, एलिमेंट शो, शो एलिमेंट नाम की मेथड पे। सो मैं यहाँ से इस प्रिंट टेप को हटाता हूँ। अब हमको एलिमेंट को शो करवाना है, मीन्स हमें यहाँ पर एक फोर लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि अरे है, अरे के अंदर मोर देन 1 वैल्यू होगी, और मोर देन 1 वैल्यू मीन्स फोर लूप की मदद से हर एक वैल्यू को एक्सेस करना पड़ेगा। तो हमको एक वेरिएबल लगेगा यहाँ पर, तो मैं आई नाम का वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ फोर लूप के लिए। हम लोग आ गए शो नाम की मेथड पे, फोर आई इक्वल टू टॉप, देन आई ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, देन हमने यहाँ पे ले लिया आई इक्वल टू आई -1। ये हमारा फोर लूप है। कुछ इस तरीके समझते हैं कि हमारे पास मान लीजिए कि एक स्टैक है, ओके, दिस इज 0, 1, 2, 3 एंड 4। अभी टॉप ऑफ स्टैक हमारे पास में क्या है? टी ओ पी। सो यहाँ पर आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4, आई ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, आई इक्वल टू आई -1। तो पहले 4 पे लूप चलेगा वैल्यू आएगी, देन 3 पे लूप चलेगा वैल्यू आएगी, देन 2 पे लूप चलेगा वैल्यू आएगी, देन 1 पे लूप चलेगा वैल्यू आएगी, देन 0 पे लूप चलेगा और वैल्यू आएगी। ओके, इस तरीके से फोर लूप यहाँ पे काम करेगा। अब फोर लूप में हमने कंडीशन पुट कर दी है। अब मैं यहाँ पर शो करवा देता हूँ वैल्यू को, जैसे हम लोग प्रिंट अप करने वाले हैं, लेकिन हमें दिखाना है इंटीजर से वैल्यू निकाल के। ओके, सिंपल, मैंने स्टैक अरे को यहाँ पे यूज़ किया और यहाँ पे हमने पास कर दिया आई। सो आई की वैल्यू कभी 4 रहेगी, तो कभी 3 रहेगी, कभी 2 रहेगी, कभी 1 रहेगी, कभी 0 रहेगी, और हमको वैल्यूज़ यहाँ पर मिल जाएगी।
अभी ये मान लीजिए कि टॉप की वैल्यू जीरो नहीं है बल्कि निगेटिव में जा रही है। एक कंडीशन में और लगा देता हूँ यहाँ पे, इफ टॉप इक्वल टू -1। ऊपर क्वेश्चन उठा होगा कि आखिर मैंने टॉप के आगे -1 क्यों लगाया है, टॉप इक्वल टू -1 क्यों रखा है। अब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, अगर टॉप की वैल्यू जीरो है मीन्स वहाँ पर वैल्यू है, टॉप की वैल्यू वन है मीन्स वहाँ पे वैल्यू है। लेकिन अगर टॉप की वैल्यू -1 है उस केस में क्या मैसेज दिखाई देगा, सिंपल स्टैक इज एम्प्टी। ओके, नो वैल्यू या फिर नो एलिमेंट टू शो, सिंपल हमको ये मैसेज यहाँ पर दिखाई देगा। अब मैं इस प्रोग्राम को सेव करके रन करके देख लेता हूँ, कोई एरर नहीं है। एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन स्टैक, मैंने यहाँ पर 5 एंटर कर दिया। पहले हम पुश करते हैं, 1 प्रेस किया, मैंने यहाँ पर 6 को पुश कर दिया, पुश ऑपरेशन हो चुका है। ओके, अब हमें शो करना है मीन्स देखना है। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, यहाँ मैंने 5 एंटर किया, अब मैंने यहाँ पे 3 एंटर कर दिया। स्टैक इज एम्प्टी, नो एलिमेंट टू शो। शो पुश के बाद शो मेथड भी चलना चाहिए, उसके लिए मैं यहाँ पर एक व्हाइल लूप लगा लेता हूँ। ओके, मीन जो स्विच हमारे पास में है, स्विच स्टेटमेंट, उसको हमने पुट कर दिया व्हाइल लूप के अंदर। अब व्हाइल लूप के अंदर हमें एक कंडीशन देना पड़ेगी, सो सेलेक्शन इज नॉट इक्वल टू। ओके, हमने केस 1 केस 2 केस 3 लिया था, मैं यहाँ पे एक केस और ले लेता हूँ, डेट इज केस 4। अब केस 4 के अंदर हम एक मैसेज दिखा देते हैं, क्लोजिंग एंड यहाँ पर एक ब्रेक स्टेटमेंट पुट कर देते हैं। अब इस प्रोग्राम को सेव करके चेक कर लेते हैं कि आउटपुट हमें क्या मिल रहा है। व्हाइल सेलेक्शन इज नॉट इक्वल टू 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अरे 5, पुश ऑपरेशन करना है, 4 हमने पुश करवा दिया, 3 2 5 6। अब पुश के बाद में शो मेथड भी चलना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग एक व्हाइल लूप यहाँ पुट कर लेते हैं। ओके, व्हाइल लूप को मैं लगा देता हूँ 1 2 3 के ऊपर। ओके, ये हमने व्हाइल लूप पुट कर दिया, मतलब पूरी स्विच स्टेटमेंट हम व्हाइल लूप के अंदर रख देंगे। अब व्हाइल लूप के अंदर कंडीशन क्या दे, तो एक केस हम यहाँ पे और ले लेते हैं, डेट इज केस 0 एंड यहाँ पर एक मैसेज दिखा दिया हमने, क्लोजिंग और यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट। और व्हाइल लूप के अंदर हमने क्या लिया था, सिलेक्शन नाम का वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे, इज नॉट इक्वल टू 0। जब तक के सिलेक्शन की वैल्यू जीरो नहीं हो जाती तब तक के हमारा लूप चलता रहेगा। सो हम रन करके देख लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन स्टैक 5, सो पुश मेथड के बाद शो मेथड चलना चाहिए। हम एक व्हाइल लूप यहाँ पर ले लेते हैं, पूरी स्विच स्टेटमेंट हमने व्हाइल लूप के अंदर पुट कर दी। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक कंडीशन रखेंगे, डेट इज सेलेक्शन शुड नॉट इक्वल टू, बट वाट, केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है। ओके, हम यहाँ पर एक केस और ले लेते हैं, केस 0 एंड केस 0 लिख के यहाँ पर एक मैसेज शो कर देंगे, क्लोजिंग
एंड यहाँ पर हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट रख देते हैं। अब इस प्रोग्राम को सेव करके चेक कर लेते हैं। पहले मैं यहाँ पे वाइल सिलेक्शन इज नॉट इक्वल टू जीरो रिपोर्ट कर लेते हैं। ओके अब चेक कर लेते प्रोग्राम को रन करके। एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन स्टैक डेट इज़ 5। ओके अगेन ये हमको बाहर जाने के लिए बोल रहा है। देख लेते कि प्रोग्राम में कहाँ पे प्रॉब्लम है। सो पुश मेथड के बाद शो एलिमेंट मेथड भी रन होना चाहिए। ओके सो यहाँ पर हम लोग एक वाइल कंडीशन ले लेते हैं, मीन्स पूरी स्विच स्टेटमेंट को हम वाइल के अंदर पुट कर देंगे। अब वाइल के अंदर हमें एक कंडीशन देना पड़ेगी क्या कि लूप कब तक चलेगा। व्हेन सिलेक्शन इज नॉट इक्वल टू, केस वन है हमारे पास, केस टू है, केस थ्री है, एक केस हम यहाँ पे और ले लेते हैं दैट इज केस फोर। ओके ये हमने प्रिंट टेप में पुट कर दिया एक मैसेज दैट इज क्लोजिंग एंड या ब्रेक स्टेटमेंट। स्विच में अपने वाइल कंडीशन में जाएंगे वापस। सिलेक्शन इज नॉट इक्वल टू 4, चेक कर लेते प्रोग्राम को। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन स्टैक इज 5। पुश ऑपरेशन हम करेंगे, पहले मैं 3 एंटर कर दिया, देन पुश ऑपरेशन 7 एंटर कर दिया, देन शो ऑपरेशन। सो 7 और 3 हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके सो अगेन हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी प्रिंट टेप है सभी में सिलेक्शन पुट कर देते तो डिस्प्ले होने में इजी रहता। जितनी प्रिंट टेप हमने यूज़ की है सभी में एक न्यू लाइन को हम लोग रख देते हैं। तो सभी में हमने क्या किया, एक न्यू लाइन मीन्स सिलेक्शन पुट कर दिया है। अब चेक करते प्रोग्राम को। अब क्लियरली विजिबल रही गया एक लाइन। सो मैंने आप 5 एलिमेंट पुट कर दिए, पुश के लिए 1, एंटर एलिमेंट टू पुश तो 4 हम एंटर करेंगे। अगेन मैं पुश कर देता हूँ 7 को, देन शो करने के लिए 3, तो 7 4 हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये एलिमेंट हमारे अरे के अंदर है। पुश एंड शो पे काम हो गया है, अब हमको पॉप मेथड पे काम करना है। शो पॉप मेथड के अंदर हम एक इफ कंडीशन पुट कर देते हैं। इफ जो टॉप हमने लिया था इक्वल टू -1, -1 मीन्स अभी वो कैसा है, खाली है, तो यहाँ पर मैसेज क्या दिखाई देगा। पॉप मीन्स डिलीट करने के लिए मेथड बना रहे हैं। ओके स्टैक इज एम्प्टी कांट पॉप, सिंपल हमने मैसेज यहाँ पे शो कर दिया। एल्स अगर एक कंडीशन फेल होती है उस केस में क्या होगा, टॉप इक्वल टू टॉप -1। ओके ये हमारा टास्क यहाँ पे कंप्लीट। हम चेक कर लेते प्रोग्राम को रन करके। ओके हम सेमी कॉलन लगाना भूल गए, फिर से प्रोग्राम को रन करते हैं। नो एरर, प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने 5 एंटर कर दिए, पुश के लिए 1, 4 को हमने पुश कर दिया, एक बार फिर से पुश करते हैं, 6 को मैंने पुश किया, अब पॉप करते हैं तो 6 पॉप हो जाना चाहिए। अब ओनली हमको 4 दिखना चाहिए, तो हमें ओनली 4 दिख रहा है, यानी हमारा प्रोग्राम प्रॉपरली वर्क कर रहा है, हमारा प्रोग्राम बन के यहाँ पे रेडी है। अब हमारा प्रोग्राम बन के रेडी है तो हम लोग क्या करते हैं कि जो मेथड्स हैं पुश मेथड हमारे नोट्स के अंदर पुट कर लेते हैं। ओके एंड जो पॉप मेथड है वो भी हमारे नोट्स के अंदर पुट कर लेते हैं, बिकॉज एग्जाम में पूछा जाता है तो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। एंड पूरा के पूरा प्रोग्राम ओके मैंने यहाँ पे वेब पेज पे अपलोड कर दिया है अरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक पे, मीन्स इजी एग्जाम नोट्स .com पे। एंड आपकी तरफ से कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो ये था अरे इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग स्टैक। ओके जस्ट हमने यहाँ पर क्या किया था, कुछ नहीं,
सो ये था अरे इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग स्टैक, मीन्स हमने यहाँ पर एक स्टैक क्रिएट किया था और स्टैक क्रिएट करने के लिए हमने अरे यहाँ पर बनाया था। एक स्टैक नाम का अरे वेरिएबल हमने यहाँ पे क्रिएट किया था। एंड पुश एंड पॉप ऑपरेशन को हम इन दो मेथड के थ्रू हमने शो किया है। तो ये था हमारा अरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक इन सी प्रोग्रामिंग। यदि आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, माइक चालू करना भूल गया। सो ये था हमारा अरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। ये दोनों मेथड हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। एंड आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।